बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी प्याज के पकौड़े, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत क्रिस्पी होते हैं। आज हम प्याज के पकौड़े बना रहे हैं, जिसके लिए हमने प्याज को लंबी लंबी स्लाइस में काटे हैं और ज़्यादा पतली भी नहीं है और मोटी भी नहीं। इसमें हम सबसे पहले नमक डालेंगे जायके के हिसाब से, और हरी मिर्च डालेंगे तेजाट के लिए, हल्दी पाउडर, जीरा और लाल मिर्च पाउडर, और अजवाइन डालना, क्योंकि अजवाइन बहुत अच्छा रहता है पकौड़े में। और इसको हल्के से हाथ से इसको हम मिलाएंगे, जोर से नहीं, हल्के हाथ से, क्योंकि पकौड़े हमारे क्रिस्पी बने। ये सब एक साथ मिल जाने के बाद हम इसमें बेसन मिलाएंगे। हरा धनिया भी डाल दे रहे हैं, अब इसमें हम बेसन मिलाएंगे। हल्के हाथ से मिलाएंगे, क्योंकि जरा जोर से मिलाने से इसमें प्याज ज्यादा पानी छोड़ेंगी और ये नरम भजी हो जाएंगे पकौड़े जैसे भी। प्याज को हमने बेसन में मिला चुके हैं, इसमें हमने एक कतरा भी पानी नहीं मिलाया है। चलो अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल को अच्छा हमने गरम कर लिए थे और फ्लेम मीडियम आंच पे कर लिए हैं। इसको इस चक्कर में डालेंगे। इसको इस तरीके से हम छोड़ रहे हैं। एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, अभी हम इसको पलटी कर देंगे। हमने इसे आज को वापस से फास्ट पे कर दिए है। पकौड़े डालने के बाद फिर ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसके लिए इसको फिर से फास्ट करना पड़ता है। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसको अभी हम सर्व कर रहे हैं। हम सर्व कर रहे हैं ऑनियन पकौड़ों को केचप के साथ। ऐसे ही मजेदार पकौड़ों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।